अक्सर मुझसे पेरेंट्स ये पूछते हैं कि आफ्टर टेंथ बच्चे को क्या करवाएं। कुछ पेरेंट्स का थॉट रहता है इंजीनियर बनाना है, कुछ का थॉट रहता है डॉक्टर बनाना है, लेकिन सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनने का थॉट सफिशिएंट नहीं होता है। एक थोड़ा सा बेसिक से समझना पड़ेगा कि टेंथ तक का जो सिस्टम होता है, जो एक हम इंडियन सिस्टम देखें तो टेंथ तक बच्चों के सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, पढ़ाई बहुत ईजी होती है। ये बच्चों के दिमाग में भी एक थॉट रहता है कि टेंथ के बाद तो हमें आगे प्रमोट करेंगे ही सही, तो स्टडीज़ का इतना लोड होता नहीं है। आफ्टर टेंथ जब बच्चा जैसे ही 11th में स्विच करता है, यू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टडीज़ का थोड़ा सा लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो समझने की ज़रूरत जितना स्टूडेंट्स को है उतना ही पेरेंट्स को भी है कि जब आप 11th में बच्चे को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाएं, हम स्पेसिफिक रहते हैं ऑन इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर, मान लीजिए बच्चे को अपने सोच लिया कि भाई हमें ऐसे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या ऐसे हमें डॉक्टर बनाना है, तो उसके लिए इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है जो कि नेशनल लेवल पर होती है। और आप मान के चलें, हम चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, हम चाहे मेडिकल की बात करें, लाखों लाखों बच्चे उन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो ऑफ कोर्स आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स उस प्रिपरेशन में लगाने पड़ेंगे। इतना इजी नहीं रहेगा कि आप सीधा टेंथ के बाद आप 11th जाएं, 11th में स्कूल के प्रिपरेशन के साथ, वो चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। ऐसा हम लोग जनरली कहते हैं कि एक जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करता है तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट है वो क्लियर कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक पूरी फैमिली के एफर्ट्स रहते हैं, पेरेंट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है बच्चे को पूरे टाइम मोटिवेटेड रखना, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी इतनी स्मूथ नहीं होती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। आप पूरे 2 साल जब प्रिपेयर करते हैं तो आपके साथ हमेशा ही अच्छा होगा ऐसा भी नहीं होता है, हमेशा ही बुरा होगा ऐसा भी नहीं होता है, बट ये एक बम्पी एरिया होता है, कभी अच्छा हो रहा है कभी बुरा हो रहा है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल नहीं है, आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कभी हम खुद भी अपने लिए कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं कि एक्स सब्जेक्ट में तो आई एम परफॉर्मिंग वेरी गुड, वाई में उतना अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि टेंथ तक जो पेरेंट्स के भी हैबिट रहती है और एक बच्चे के भी हैबिट रहती है कि ही इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड गुड इन एवरी सब्जेक्ट। उनके लिए इंग्लिश क्या, मैथ्स क्या, साइंस क्या, बच्चे का हर किसी सब्जेक्ट में ही एक अच्छा परफॉर्मेंस होता है या एवरेज अबाव परफॉर्मेंस होता है। बट जब आप 11th में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप बराबर परफॉर्म करें, कहीं ना कहीं थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आता है। तो एक होता है ना मेंटल लेवल पे एक जो प्रिपरेशन होती है, वो जितनी बच्चे की ज़रूरत है उतनी ही ज़्यादा पेरेंट्स का भी एक ज़रूरी होता है कि वो भी बच्चे को जो है टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें कि इट्स लाइक यू नो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। उसके लिए पेरेंट्स जितना इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे के साथ उतना ही टीचर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। हम भी यहाँ पर यही करते हैं, हम बच्चे को रेगुलरली जो है इस चीज़ को लेकर समझाते हैं कि आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ऑप्ट किया है। मान लीजिए लेट से बच्चा इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट करता है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेनली 3 सब्जेक्ट के बेसिस पर उसको एग्जाम देनी रहेगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा है, मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, या फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री थोड़ी लर्न करने की होती तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाते, या फिजिक्स में एक बेसिक आईक्यू बच्चे को ज़्यादा लगता है तो वो कभी कभी अच्छा नहीं होता, बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे होते, कई बार 2-2 सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं होते। लेकिन ये बहुत बोलते हैं ना बात की बात होती है, इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके 3 सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे तो ही आप अच्छा परफॉर्म करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी एक्सपर्टीज़ ले आते हैं बहुत हद तक, या आप अगर आप वेल प्लान्ड स्टडीज़ करें और आप 1 या 2 सब्जेक्ट में भी एवरेज परफॉर्म कर पाते हैं, और मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में आपकी उतनी अच्छी कमांड नहीं है तो भी आप बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बस उसके लिए आपको सही गाइडेंस चाहिए, आपकी जो प्लानिंग होती है पढ़ाई की वो वेल प्लान्ड होनी चाहिए, और आप में खुद में ये समझ होनी चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा उतना अच्छा है पर मेरे बाकी 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं, या मेरा बाकी 1 सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मुझे उसको बहुत अच्छे से करना है।